सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अही रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर राज्य गांव में धरना दे रहे लोगों के पहुंच दिया अपना समर्थन। कहा दक्षिण हरियाणा को मिलना चाहिए उसका मान सम्मान। दक्षिणी हरियाणा हमेशा रहा है सेना में जवानों की शान। दक्षिणी हरियाणा के जवानों ने दिया है देश के लिए बलिदान। अही रेजिमेंट बनाने के लिए दक्षिणी हरियाणा के सभी विधायक करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। मुलाकात कर विधानसभा में अही रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव पास करने की मांग करेंगे। कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद पर हटाने के सवाल पर कहा कि कुमारी शैलजा को हटाना कांग्रेस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक तरफ तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है नारा, दूसरी तरफ नारे से वितरित करती है कार्य। कांग्रेस द्वारा दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाने के सवाल पर कहा कि दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, इससे नहीं आएगा कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, पहले भी रह चुके हैं कांग्रेस के लगातार 3 दलित अध्यक्ष। लगेगा कि आगे विधानसभा चुनाव में या पार्टी को उठाने में कुछ इसका असर देखने को मिल सकता है? देखो, हर पार्टी हर का संगठन ये प्रयास तो करता है कि भाई कुछ बेहतर करें, तो देखते हैं समय बताएगा क्या बेहतर कर सकते हैं या गुटबाजी और बढ़ती है। एक डॉक्टर साहब आखिरी की बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, क्षेत्र की बात कर ले प्रदेश की बात कर ले कई कई घंटों कट लग रहे हैं, तो इसके सुधार की दिशा में क्या प्रयास करेगी सरकार? बात ठीक है कि अभी बिजली का संकट अभी है और उसका कारण भी कोयले की वजह से है, कोयला नहीं आ रहा, सरकार लगी हुई है कि इस समस्या को जितने जल्दी निपटाया जाए सरकार पूरा प्रयास करेगी। तरह से समर्थन करता हूँ कि हमारे ये अही रेजिमेंट बढ़नी चाहिए ताकि हमारा जो ये हिरवाल क्षेत्र है इसका मान सम्मान और बढ़े और हमारे जो बच्चे उनको एक प्रेरणा मिले और वो देश की सेवा और अच्छी तरह कर सके, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों ने कहा कि विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित करवाया जाए, तो हम सब लोग जो भी हमारे अहिरवाल के जितने भी विधायक हैं हम सब मिलकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो हक है हमारा, जो दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है और आज भी हमारे देखें तो सबसे ज़्यादा जो फौज के अंदर सैनिक है वो दक्षिणी हरियाणा के हैं, तो इनको मान सम्मान इनका मिलना चाहिए और इसकी मांग को आगे बढ़ाया जाए, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। आप आए राज्य की क्या कहेंगे? देखो, ये जो धरना प्रदर्शन हाई रेजिमेंट के लिए मेरे हल्के राजिया गांव में 15 अप्रैल से चला हुआ और इससे पहले भी ये अपना खेड़की दौला टोल पर भी चला था, तो उसके अंदर भी मैं गया था और मैंने वहाँ भी इस हाई रेजिमेंट के समर्थन में बात कही थी कि जो हमारा ये दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है यहाँ फौजियों की खान कहा जाता है और हमारा यहाँ जो नौजवान है वो आज भी फौज में भर्ती होने की इच्छा जाहिर करता है और इससे पहले भी देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो हमारे जो नौजवानों ने जो बलिदान दिए हैं और आज भी सेना के जो हमारे सीमा के ऊपर जो सेना के लोग हैं वो उनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज हम आज़ादी से जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दक्षिणी हरियाणा को उसका मान सम्मान मिलना चाहिए और हाई रेजिमेंट के मैं पक्ष में हूँ और हाई रेजिमेंट बननी चाहिए। क्या कुछ बैठे इन्होंने कहा कि वे आप विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करवा के भेजें, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, सारे विधायक जो भी हरिद्वार के हैं दक्षिणी हरियाणा के विधायक हैं सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस तरह का एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। एक अलग से बात कर ये कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से कहा गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में गहरा असर इसको देखने को मिला? देखो, मुझे कुछ नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा, पहले भी जब ये दलित ही प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पिछले कई सालों से पहले अपने अशोक तंवर जी रहे, फिर अपने शैलजा जी रही और आज उदय भान जी बने हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा है कि इससे कुछ बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में आए।